चुनार क्षेत्र के बाजार में मोची टोला मोहल्ले में अतिक्रमण का इस कदर जमावड़ा लगा हुआ है कि वहां के रहने वालों का जीना दुश्वार हो गया है। वहां के लोगों को आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से आना जाना है वहां पर कुछ लोग बहस बांध कर रास्ते को जाम कर देते हैं और लोगों के कहने पर बहस भी कर लेते हैं, जिससे वहां के लोगों को अपने घरों पर जाने के लिए दूसरे रास्ते से घूम कर जाना पड़ता है। और उस मोहल्ले के लोगों को यह भी कहना है कि इस मोहल्ले में साल भर में केवल एक बार सफाई का कार्य किया जाता है। यहां पर नगर पालिका द्वारा कोई भी सफाई कार्य नहीं किया जाता, वह भी केवल ताजिया के मौके पर इस मोहल्ले में सफाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सफाई का कार्य नहीं किया जाता। वहाँ पर रहने वालों की दशा इतनी दयनीय है कि जो मलबा गजा है, जिससे कि वहाँ पर रह रहे लोगों को अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय पर मलबा हटा दिया जाए तो इसकी नौबत ना आए। और वहाँ पर मौजूद लोग जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन यादव और उनके साथ अंशुराज विकास कश्यप, अंकित पंकज शर्मा और वहाँ के निवासी बुद्धू चौधरी, बाबू जाफरी, चुन्नू चौधरी मौजूद रहे और मोची टोला वार्ड के सभासद महेश सेठ भी मौके पर मौजूद रहे। चुनार से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। आज मैं सुनील कुमार कुशवाहा, टीएसटी न्यूज़ लाइव से, चुनार बाजार के चौक में, वहाँ पे ये इमाम बाड़ा जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से बड़ा हुआ है, यहाँ पे 8 दिन बाद ताजिया उठेगा। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी ख़राब है, आइए आज मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे नगर पालिका क्या कर रही है। इसको देखिए, गली है और ये चौका बिछाया जो कि नगर पालिका द्वारा बिछाया गया है, लेकिन इसमें साल भर पर शायद एक बार आके यहाँ पे सफाई किया जाता है। जरा सा सर देख भैया, आपका क्या नाम है? अमन कुमार। भैया आप एक अगर किलो न खड़ा रहा तो कैसे चलिए कि आपको क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे इमाम चौक है और ये मेरे जन्म के से पहले यहाँ पे मतलब उठता है ना, सामने मेरा मकान है, मकान के सामने इतनी गंदगी है कि जीना दुश्वार हो गया और कहने पे भी जानवर दूर नहीं करते हैं। और ये सरकारी गली है पूरी, और ये पूरी गली जाम रहती है और इतनी गंदगी है कि जीना एकदम दुश्वार है। आए दिन लोग घर में बीमार रहते हैं, कोई सफाई नहीं है, प्रशासन का इसमें कोई ध्यान ही नहीं जाता इधर कभी, और कहने पे भी कहते हैं कि क्या करें, वो लोग ऐसे ही हैं। तो क्या सर इसका कंप्लेन आपने नगर पालिका द्वारा किसी को सूचना दिया था? बहुत पहले दिया हुआ है, 2-3 बार दिया जा चुका है, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। तो सर निष्कर्ष नहीं निकला तो उसके बाद आपने और कोई कार्रवाई की? नहीं सर, उसके बाद तब बहुत लोग से कहे, अपने माननीय चेयरमैन साहब से भी कहे, लेकिन कोई उसका वो लाभ नहीं मिला, तो हमने भी थक हार कर चुनार क्लब में डाला इसको। सर तो यहाँ पे जो ये चौक है जी, बताया जा रहा है कि काफ़ी वर्षों से यहाँ पे ताजिया का जो कार्यक्रम होता है भाई लोग करते हैं यहाँ पे, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी ये तो आप अच्छी तरह से देख भी सकते हैं और ये गंदगी देख सकते हैं। तो भाई साहब से हम पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है, इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम। ये लोग बताते हैं कि पहले पुराने लोग कि ये मतलब आज़ादी के पहले का किसी का था, वो छोड़ के चले गए, ये पंचकोठी बोलते हैं कि मतलब सबका हिस्सा है इसमें, तो माननीय इसको मतलब कहने का कि ये पंचायत पंचायत जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, तो माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने यहाँ प्रस्ताव रखा कि इसको तोड़वा कर अच्छे से शादी के लिए भवन बनवा दिया जाए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए बनवाने के लिए। ठीक है भैया, आइए एक भाई साहब हमारे। तो यहाँ पर ये इमाम चौक है, तो हमने देखा कि ये इमाम चौक में पूजा पाठ जो भी मुस्लिम भाई करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, तो गंदगी देख करके हमें बड़ा वैसा लगा, तो हम आपको सूचना किए और हमारे मित्र पूरी टीम हमारी है, तो हमें ये लगा कि पहले इसको हम देख करके पहले फिर पहुँच करके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आने पर पता चला कि यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं और सामाजिक हैं, जैसे भाई साहब चुन्नू जो हैं यहाँ के चौधरी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सफाई कर्मी कभी आते हैं कभी आते ही नहीं हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि ये कभी नाली साफ हुआ होगा। हाँ, एक साल में
एक बार जैसे आपने कहा कि एक साल में एक बार यहाँ ताजिया का यहाँ पर बैठती है तो कार्यक्रम होता है, लेकिन ये ताजिया मात्र एक केवल इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं लोग, ये धर्म की पूजा आस्था जो जुड़ा है वो आस्था से नहीं है। आप एक मस्जिद मजार जो भी इमाम चौक जो भी नाम दिए हैं आप, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं ये जो मवेशी बांधे हुए हैं यहाँ पे, इस मवेशी से इनका व्यवसाय है ठीक है, लेकिन ये अपना करते रहे, लेकिन ये रास्ता का जो अवरोध किए हैं नगर पालिका भी नहीं इसको सुन रही है, ना सफाई करती है, ना नगर पालिका कर्मचारी सफाई कर्मी सब, ना तो ये सफाई इंस्पेक्टर हो, ना नगर पालिका के चेयरमैन, और सबसे पहले तो ये इस वार्ड के जो सभासद जो प्रतिनिधि है आप लोग यहाँ पर लोग चुनकर भेजे होंगे, उनका पहले दायित्व बनता है कि मैं पूरे वार्ड में घूम कर देखूँ कि यहाँ पर साफ़ सुथरा हुआ है कि नहीं। आज ये जान लीजिए कि लाख हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं इस चुनार क्लब में, कमेंट चल रहा है अभी तक चल रहा है कि ये इमाम चौक में इस प्रकार गंदगी है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ के सभासद क्या कर रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग देखें तो हमें लगा कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग जाए पहले देखें, अगर हो जाए, अगर कोई वहाँ के पास के लोग हैं तो हम यहाँ के लोग से भी कह रहे हैं कि फावड़ा दे, और हमारी टीम आई हुई है, हम फावड़े से इसको साफ़ कर दें। अगर नगर पालिका नहीं आती तो हम इसके लिए तत्पर हैं, जितना हो सकेगा मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ, और रह जाएगा तो कल भी करूँगा, नगर पालिका के आने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको साफ़ कर दें। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपने आया यहाँ पर। आपका शुभ नाम? महेश सेठ। तो आप इस वार्ड के क्या सभासद हैं? जी हाँ सभासद हैं। तो सर ये जो अतिक्रमण हुआ है इसको आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ही गंदा है। ऐसा है हम बता दें, इसके लिए नगर पालिका में हमने एप्लीकेशन दे दिया है। जी जी जी। और ये भी जो ज़मीन है जी ये किसी के है नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इस पर कुछ बनेगा, साफ सफाई होगा जी, और इन लोग को भी नोटिस दे दिया गया है कि अपना जानवर जल्दी जल्दी हटा ले जी। ये अभी बकरा ईद का त्यौहार था इसलिए इनको प्रशासन की तरफ से छूट मिला था, लेकिन इस पर ये लोग कार्रवाई गंदगी ये लोग अगर करेंगे तो इन लोग का माल लौट करके चला जाएगा। नहीं तो सर अभी 8 से 10 दिन बाद ये देखिए यहाँ पे जो इमाम चौक है और ताजिया का कार्यक्रम चालू होगा यहाँ पे, तो सर ये मलबा आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मलबा फैला है, तो इसकी साफ़ सफाई अभी तक नहीं हो पाई। साफ़ सफाई बहुत जल्दी एक आध में हो जाएगी, इसलिए कि सफाई इंस्पेक्टर को बोला गया है, ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह जो भी लगा के त्यौहार के पहले बिजली की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था सब कुछ हो जाए। नहीं नहीं तो सर इसके पहले भी तो बहुत काफ़ी गंदगी तो अभी तक मतलब इधर लोगों का कहना है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, और ये जो रास्ता सर वो देख रहे हैं रास्ता कहने की आवश्यकता नहीं है, तो बताते हैं कि ये रास्ता है लेकिन कोई आता जाता नहीं है सर। नहीं इसके ऊपर विशेष कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ये साल कुल कार्रवाई एक साल होगी, एक साल होती है सफाई, सिर्फ एक साल, साल भर में एक बार समझ रहे हैं, हर कीमत पे इन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा और एकदम विशेष कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर जानवर रोड पे अगर नगर पालिका की रोड पे पाई गई तो नगर पालिका से गाड़ी आएगी और इनको उठा के ले जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो भैंस वगैरह का जो वो होता है हड्डी वगैरह वो आगे फेंका गया है, मैं उसको आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आइए मैं आपको उसको दिखाता हूँ। आइए हड्डी रखी पहले हड्डी रखी बाबू है बाबू है कोई सुनवाई होती नहीं है। पंचम चौरसिया भैया, तो जो ये सफाई आप लोग ताजिया बैठाने के उपलब्ध में कराते हैं तो आप लोग अपना खुद का चंदा वगैरह लगा के कराते हैं कि मतलब नगर पालिका द्वारा सफाई किया जाता है? नहीं, नगर पालिका साल में एक बार लगता है, थोड़ा सा सफाई करके फिर चला जाता है, बस जल्दी जल्दी कुल भाग जाते हैं, बस कॉलम पूरा करते हैं। नहीं नहीं, हल्का फुल्का सफाई होता है, बाकी मलबा इसी में झुकवा देते हैं, पूरा सफाई यहाँ पर शुद्ध सफाई नहीं हो पाता है, हल्का फुल्का सफाई करा के बाकी मलबा इसी में फेंकवा के चले जाते हैं, कॉलम पूरा करते हैं, ढंग से सफाई नहीं कर पाते, सुनवाई नहीं होती। पिछली बार भी सफाई हुई थी मगर ढंग से नहीं हो पाई थी, ट्रैक्टर लगा के सफाई करवाए थे मगर उसमें आदत या ट्रैक्टर में मलबा उठा के और बाकी मलबा छोड़ के इसी में झुकवा कर चले गए थे। सर आपका क्या नाम है? चुन्नू नाम है। सर
सर आप इस ताजिया के मतलब क्या आप देखभाल करते हैं हमें मैं इन लोग हैं इन लोग अवैध सरकारी पर बांधते हैं इन लोग बुझे इसको लोग लिया के बांध देते हैं मना किया जाता है भाई मजहब का चीज़ ये सब ना करा जाए गंदगी जब भाई से पड़वा बनेगा तो सर सफाई कहाँ से होगी तो सर जो ये अतिक्रमण हुआ है तो आप इसके विषय में कहीं कंप्लेन वगैरह किए हैं नहीं नहीं तो सर आपको आने जाने में इधर से अब ताजिया का जो कार्यक्रम आपका 8 दिन 10 दिन पहले है तो यहाँ पे बैठता है तो आप लोग किस तरह से आते जाते हैं ये तो अतिक्रमण फैला हुआ है हटवाना पड़ता है पूरा हटवाना पड़ता है नगर पालिका आता है पूरा ये तो सर ये साल में केवल एक ही बार होता है कि मतलब महीने हफ्ते या रोज होता है साल ही में इधर करते हैं या सर सफाई के लिए तो देखते हैं रोज तो हम झाड़ू वाड़ू तो देखते नहीं रोज तो झाड़ू नहीं लगता रोज तो इधर झाड़ू लगता नहीं है हम तो उस तरफ रहते हैं काम रहता है सफाई बोला जाता है वो सब सुनते नहीं करते ठीक है सर धन्यवाद आज हम ये मोहन कुमार यादव जी हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा जिला जिलाध्यक्ष तो उनसे हम कुछ बात करते हैं ठीक है हाँ सर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष मोहन यादव मुझे आज सुबह जानकारी मिली फेसबुक के माध्यम से चुनार क्लब चलता है बहुत सोशल मीडिया में बहुत अच्छा क्लब है उसमें जो नगर के चुनार नगर में जो भी अच्छे अच्छे कार्य हो चाहे जो भी जिस प्रकार का सौंदर्यीकरण हो चाहे नगर के संबंधित जो भी अच्छे कार्य होता है उसमें अच्छे लोग पोस्ट करते हैं और बहुत अच्छे लोग रहते हैं उसमें।